माँ सब कितने खुश हैं, लेकिन कुछ मेरे लिए खुशी अधूरी है। क्या यही है इस बच्चे की किस्मत कि वो इस दुनिया में अपने बाप के बिना आएगा, उसके पापा नहीं होंगे उसकी उंगली पकड़ के उसे चलना सिखाने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए। वो मुझसे पूछेगा कहाँ है मेरे पापा, तब क्या जवाब दूंगी मैं उसे, कुछ क्या बोलूंगी, उसके पापा क्यों छोड़ के चले गए हमें, मैं क्या जवाब दूंगी कुछ। प्लीज वापस आ जाओ कुछ, प्लीज हमारे बच्चे के वापस आ जाओ, मुझसे पूछेगा मेरे पापा का। बेबी, आई थिंक हमें ट्विंकल को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। आंटी, मैं जानता हूं कि आप ट्विंकल की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। जब से कुंज गया तब से ट्विंकल हिम्मत रखी हुई है, डट के खड़ी हुई है, सबके सामने स्ट्रांग बन रही है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। काम करने जाती हो या दोस्ती करने? बस कर लाउडस्पीकर, ये है कुंज, मेरा पेशेंट है, यहाँ इसकी सर्जरी होने वाली है इसलिए लेकर आई हूँ। नाम तो बड़ा अच्छा है, तुम नए नहीं आए हो ना, इसलिए बता देती हूँ, मुझे गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए जब तक मैं घर में रहूंगी एसी बंद नहीं होगा। वैसे तो मैं टीवी का रिमोट किसी को नहीं देती, लेकिन तुम्हारे साथ शेयर कर सकती हूँ। बस शाम को 4 से 6 बजे तक टीवी पे हैना मोंटाना आता है ना, और उस वक्त मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं। मैं काशवी, नाम का मतलब वो स्काई में होता है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, उसमें से एक स्टार का नाम काशवी। काशवी बस कर, जब से आई है बकबक बकबक चालू है, बस जाके देखना गेस्ट हाउस रेडी है क्या। अभी जाती हूँ, पहले बताओ खाना खाया? तो पहले क्यों नहीं बोला, मैं अभी जाके कुक को अलर्ट कर कर आती हूँ। है ना दादी माँ, बड़ी क्यूट है। नहीं तू यहाँ क्यों आया? एक्चुअली ये कल के फंक्शंस के बिल हैं, तो मुझे लगा कि मैं तुझे दिखा देता हूँ, तू बट इट्स ओके, तुझे नहीं देखना अभी तो मैं बाद में आ जाऊँ। क्यों बाद में क्यों? आई मीन तू बाद में देख लियो। तू कह रहा था ना कैरेक्टर से हटके बातें करो तो अजीब लगता है, वैसे तू भी अचानक से कैसे पोलाइट गुड बॉय बन गया? अब तो ऐसे सब कुछ बोलना लाउड है, मैं तो फाइट बैक भी नहीं कर सकता। अब मैं चलता हूँ। सुन, हाँ तू मुझे मार्केट लेके चलेगा? हाँ हाँ मार्केट बाजार, जहाँ शॉपिंग करते हैं ना वहाँ चलेगा? हाँ नहीं। हाँ नहीं क्या होता है? I mean, नहीं नहीं I mean, हाँ हाँ I mean, हाँ मैं तुझे ले चलूंगा। और नहीं प्लीज बेबे से मत बोल। क्लियरली बोलना क्या बोल रहा है। वही तो। क्या मैं बेबे से बोलूं चलने के लिए? बोल। श्योर। ठीक तो नीचे चल, मैं रेडी होके आती हूँ। आना चल। मैं आ रही हूँ पैक किचन। लाओ भैया जी पिंक। थैंक यू प्लीज। थैंक यू। क्या जरूरत थी तुझे इतना सामान खरीदने की? Excuse me, for your information, ये सारा सामान आपने खरीदा। And by the way,
अगर ये शुभ विचार आपके दिमाग में थोड़ा पहले आ जाता तो आज मुझे ये कुल ही नहीं बनना पड़ता। ज्यादा मत बोल तू, मैं चाहे कुछ भी करूँ, कितनी भी शॉपिंग करूँ, तू कौन होता है बोलने वाला? चुपचाप चल। पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बाबा जी क्या करवा रहे हो? चाट, मुझे चाट खानी। पिंकल, नो 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 नो, मुझे नहीं खाना चाहिए, स्ट्रीट फूड नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल तेरे हेल्थ के लिए। यू डोंट थिंक, जस्ट फॉलो। भैया मुझे ना पानी पूरी दीजिए, पानी पूरी के बाद जो दही भला दीजिएगा, फिर मीठी चाट दीजिएगा, जल्दी दीजिए। ट्विंकल, यू नो व्हाट, स्ट्रीट फूड इज नॉट गुड फॉर यू। तू अपना काम करना, तुझे क्या लेना देना, जल्दी खिलाइए भैया। मान जा मेरी बात, मुझे क्रेविंग हो रही है यूवी। कितना खाएगी ट्विंकल? यू नो व्हाट, फिट इज इन, फैट इज नॉट इन। ओके बोरिस, क्या सांस तो ले ले ट्विंकल, कम ऑन यार। अरे उषा सरना की बहू ट्विंकल है ना, देखो तो कैसे मजे से पानी पूरी खा रही है। दिस इज नॉट गुड फॉर यू, स्ट्रीट फूड नहीं खाना चाहिए। बट यू भी मेरा पेट क्यों ट्विंकल? ट्विंकल क्या ट्विंकल, कोई है प्लीज हेल्प ट्विंकल। अरे क्या हुआ इन्हें? इतना दर्द हो रहा है, धीरज रख, बस डॉक्टर देख लेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए सैड हो रहे हो क्यों? मैं अकेली थोड़ी हूं, आप हो ना मेरे साथ, और फिर मैं आपकी बेटी हूं ना, आपकी तरह एकदम स्ट्रांग। आपने भी तो मुझे अकेले बड़ा किया है ना, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, तो फिर मैं भी तो कर सकती हूँ, मैं भी अपने बेबी को अकेले ब्रिंग अप कर लूंगी। मेरे लिए सैड मत। हाँ बच्चा, तू तो बहादुर है ही, पुत्र माना कि मैंने सब कुछ अकेले ही किया, लेकिन मेरी वाई गुरु जी से हमेशा ये अरदास रही है कि जिन मुश्किलों का सामना मैनू करना पड़ा है, मेरी बच्ची नू कभी ना करना पड़े। लेकिन किस्मत का खेल देखो, आज तो उसी मोड़ पर आकर खड़ी हो गई जहां पर कई साल पहले मैं खड़ी थी। मैं अकेली थोड़ी हूं, आप हो ना मेरे साथ, और मेरा पूरा परिवार है मेरे साथ। क्यों भी अभी जो कुछ भी तूने मेरे लिए कहा उसके लिए थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ ट्रू फ्रेंड। इतनी फॉर्मल मत हो प्लीज, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा, एनीवेयर एंड एवरीवेयर, रिमेंबर दिस। उस दिन जो अधूरा रह गया था, जिसे पूरा कर ले। फ्रेंड्स फॉर लाइफ। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।